रुखसती हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, रुखसती। लाओ कुरान, लाओ जी कुरान, लाओ कुरान, भाग लेके आओ जी। किसके सर पर? मंगनी करते हुए कुरान याद ना आया, ब्याह करते हुए कुरान याद ना आया, मेहंदी माइयों की रोटी पे कुरान याद ना आया, भाई बहन इकट्ठे होकर सारी रात नाच तेरे फंक्शन पे कुरान याद ना आया। एक एक लाख रुपए का बरात का जोड़ा पहना, हाफ स्टील का हाफ शर्ट का यहाँ दुपट्टा था, तुझे कुरान याद नहीं आया। खड़े होके खाने खिलाए कुरान याद नहीं आया, सुन्नत के खिलाफ सारा काम किया कुरान याद नहीं आया। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अब कुरान याद आया। जब सारा काम तमाम हुआ, उलामा इकराम अल्लाह से डरो, किसी से ना डरना, खुल के जवाब दो अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जो पांच पांच नहीं 25-25 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर में दे के 7-7 घंटे सज के आती है अल्लाह अकबर, फिर 400 आदमियों की नमाज जुमा कजा है, जुमे के दिन बारात आ रही है, आने वाले ने जुमा ना पढ़ा, खिलाने वालों ने जुमा ना पढ़ा, ड्राइवरों ने जुमा ना पढ़ा, बरातियों ने जुमा ना पढ़ा, इल्ला वली साहब को शर्म आ गई, 2-4 उठ के चले गए। लड़कियों वालों ने जुमा ना पढ़ा, 200 औरतें फंक्शन में आई, 700 आदमी आए हुए हैं, 500 ने जुमा ना पढ़ा। जब इतने पे नमाजियों की नहुसत है, लाल रंग के जोड़े में लपेट के जाएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी गोद के अंदर हुसैन नहीं आएगा, अब्दुल कादिर जिलानी कहीं नहीं आएगा। पहले बच्चियों में शर्म हया हुआ करती थी, रो लिया करती थी थोड़ा सा रुखसती के वक्त माँ बाप से चिमट के। अब तो कहती है एक दिन पहले लो लूंगी, मेरा 50,000 का मेकअप खराब होगा, आधा कुरान कुरान सर पर। दुनिया को यूं ड्रामेबाजी से आंखें निकाल के देखे जा रही, लेंस लगा रखे हैं, ये कहां गई फातिमा? अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम समझते हो कुरान रहमत बरसाता है? जब बच्ची के सर पे जिसके पर्दे को उजाड़ के रख दिया, जब उसके सर पर रुखसत करते, वो चंगाड़े मार मार के खुदा की लानत बरसा के जाता है। अब याद आया मैं तुम्हें, कायनात का नबी सारी नबियों का सरदार है, दरवाजा बजा मन दक्कल बा, कौन दरवाजे पर? अली और अकील दोनों भाई अबू तालिब के बेटे, नबी के चचेरे। खैर हो अली? अजी 3 महीने 4 महीने 6 महीने या उसी वक्त, मुख्तलिफ रिवायत है। अजी फातिमा को रुखसत कर दीजिए। फातिमा अजी, अली अपनी अमानत लेने के लिए आए, ना कोई जहेज तैयार, ना कोई कपड़े तैयार, फातिमा अली अमानत लाए। उठी, अब्बू जैसे आपका हुक्म, आटे में हाथ भरे हुए। अब्बू 2 मिनट अली को बिठाइए, मैं आपको रोटी पेड़ा तैयार है, रोटी पका के। बेटी का हाथ पकड़ लिया, सुनो सुनो अजीज उलूम में आने वालों, बेटा पैदा हो, होंठ पे चूमो, नाक पे चूमो, आंखों पे गाल पे चूमो, लेकिन खबरदार, खुदा गैरत वाला, मुस्तफा गैरत वाला, दीन गैरत वाला, मुसलमान गैरत वाला। फरमाया बच्ची 1 दिन की हो, 1 साल की, 50 साल की या 10 साल की, खबरदार अगर तू मुसलमान है, तुझे होंठों पर होंठ लगाने की, गालों पर गाल लगाने की, होंठ लगाने की इजाजत नहीं। या अल्लाह फिर मैं क्या करूँ? फरमाया मेरा महबूब देख, 4 बेटियां दी थी, मेरा महबूब जब भी बोसा देता या माथा चूमा करता या हाथ की पुछ चूमा करता था, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेटी का हाथ पकड़ा, अटा साहब, फरमाया बेटी तू तो रोटी पकाने की बात करती है, मैं तो तुझे इतनी भी इजाजत नहीं देता कि आटे वाले हाथ दो, वो भी अली के घर में जाके धोना, अब्बा के कपड़े। मेरे अब्बू जी आप क्यों रोटी मेरे हाथ की, आपको पसंद है खा लो। फरमाया मेरी बेटी अगर मैंने रोटी खाने में देर कर दी, उम्मत इसको हुज्जत बना के सालों बेटियां ब्याने में देर कर देगी। अल्लाह अकबर। पढ़ो अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को, फरमाया करते हो लोगो, मैं तुम्हें हदीस का हवाला देता हूँ, बच्ची बालिग हो जाए, रिश्ते तय चाचा के घर से आ रहे हैं, आर पार से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता नहीं जी नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है। ना हुई तो कोई बात नहीं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया इसलिए कि ये 10,000 के मुलाजिम की मतहत रहेगी, इसके ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, अल्लाह शरी दे रहे। हम तो इसको पूरी लिख के चले गए, फरमाया हदीस में आया है अल्लाह अकबर माँ बाप के पास अल्लाह अकबर काबिले तमाम रिश्ते आए, सही रिश्ते आए, उसके बावजूद भी बेटी को नहीं बयाते, उनके माँ बाप से कह दो हर महीने तुम्हें एक नबी के कत्ल करने का गुनाह मिल रहा। तुम यही समझते हो कि हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाएगी, इन्होंने महंगाई कर दी, महंगाई तो तूने की, 4-4 बच्चियां घर के अंदर बिठा रखी।